तो सबसे ज़्यादा पैटर्न भोजपुरी में बजने वाला आज पूरा FL स्टूडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको पहले ध्यान से पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग FL स्टूडियो में न्यू पैटर्न, जिसे अभी सबसे ज़्यादा भोजपुरी में बजने वाला पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जो कि अधिकतर खेसारी लाल जी हो, पवन सिंह हो, चाहे शिल्पी राजू, चाहे अभी जितने भी भोजपुरी के मतलब टॉपर कलाकार हैं, तो सभी इसी तरह का मतलब अभी पैटर्न क्रिएट किया जाते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग FL स्टूडियो में नया पैटर्न क्रिएट करके एक DJ ट्रैक हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 1 2 3 4 पैटर्न यहाँ पर मैंने बनाया है और आप लोगों को मैं एक एक करके बारी बारी से मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा भोजपुरी में बजने वाला जो भी अगर बीट पैटर्न बोला जाए, तो यहाँ से जितने भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया है और किस किस चीज़ से मैंने बनाया है, तो आप लोगों को देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बीट बनाने के लिए आप लोगों को पास इतना जो भी है क्लैप, स्नेयर और हिट हेड और बाकी एक परकसन लूप है, बाकी मैंने बेस लाइन का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को कितना कितना पर लगाना है, तो सारे पूरा डी क्लियर में मैं आप लोगों को बता दूं कि सब देखिए, जो कि आप लोग नए अगर बिगनर हैं या अगर FL स्टूडियो को सीखना चाहते हैं तो बीट एंड बार क्या होता है सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो बीट एंड बार होता है कि जैसे हम लोग यहाँ से अगर हम लोग जो भी पार्ट है यहाँ से अगर इतना कर रहे हैं, वो एक बार होता है। उसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो समझने के लिए हम लोगों को देखिए यहाँ पर ले चलते, क्योंकि जब अगर यहाँ पर मैं जब क्लिक किया तो इसमें अगर किसी भी तरह का अगर यहाँ पर पैटर्न अगर मान लीजिए किसी भी तरह का अगर मैं किक लगाऊंगा तो यहाँ पर एक ही पर लगेगा, ठीक है ना, एक ही पर लगेगा। यहाँ मैं 2-3 ऐसे करूँ तो नहीं लग पाएगा, इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसमें खुद दे दिया है बीट, जैसे अब यहाँ पर मैं लगाऊँ तो 1 2 3, जैसे एक बार में चार बीट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, समझिएगा तभी आप लोगों को बनाना आएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने लाइन पे क्यों किया, क्योंकि लाइन पे करने से देखिए पूरा एक बीट का हमको समझ में आता है, ठीक है ना, एक बीट का हमको समझ में आता है कि हम कितना बार इसको लगा, ठीक है, एक इतना आता है समझ में, ठीक है। और तो अगर हम लोग पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं जो मतलब यहाँ पर किक रखना चाहिए था किक, लेकिन आज के दौर चल रहे हैं जो कि बेस लाइन का कोड चल रहा है, बेस लाइन पैटर्न चल रहे हैं आपको, तो आप लोगों को यहाँ पर बेस्टर्न पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग पहले किक रखा करते थे 1 1 4 समझो 1 5 करके ये हम लोग रखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ देहाती में एकदम सबसे कि यहाँ पर जो भी हम लोगों को पैटर्न रखने जो गाढ़ा वाला जो है ना गाढ़ा वाला यहाँ पर इस पर हम लोगों को रख लेना, जैसे हर बीट आता है बीट में 1 2 जैसे यहाँ से 1 2 5 8 समझे 11, तो आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को जो भी है शेखर रख लेना है, फिर उसके बाद हिट हेट जो है कि दो पार्ट छोड़कर रख लेना है, दो पार्ट छोड़कर। तो इस तरह से मैं आप लोगों को डिजाइन करके यहाँ पर दिखा दिया, आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि फिरोज भाई ये क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेक पैटर्न, ठीक है ना, तो यहाँ ब्रेक पैटर्न मैंने बना दिया है, आप लोग ब्रेक पैटर्न भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ बना लिए। उसके बाद अब दूसरा पैटर्न की बात बोलूँ तो दूसरा पैटर्न में किक की आगे बात, तो देखिए यहाँ पर मैंने किक भी लगाया है और क्लैप भी लगाया है यहाँ पर से करें, तो यहाँ इस तरह से यहाँ आवाज़ क्रिएशन होता है,
ठीक है, ये हम लोगों को चल नहीं रहा था क्योंकि हम लोग इसको लूप मोड में कर दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो केवल देखिए इसमें क्या है कि हम लोग अपना जो है से चाल बदल दिए। जैसे इसमें देख लीजिए शेखर है अपना, इस पे लगाए एक आठ पे लगाए हैं, ठीक है ना, शेखर को इसमें, बाकी क्लैप इसमें उसी तरह से आप, ठीक है। और यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। तो आप लोगों को सपोर्टेड यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ढोलक क्या लगाना है, आप लोगों को काले का तीन छोड़कर, जैसे एक दो तीन छोड़कर लगाना है, इसमें भी उसी तरह से काले का तीन छोड़कर, जो ओरिजिनल यहाँ पर जो हम लोगों को दिखा रहा है उसको काले का तीन छोड़कर लगा लेना, और इसको 7 और 15 पे लगा लेना है छोटा ढोलक, ठीक है ना। और बाकी प्रकाशन लगा देना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास रहा, आप लोग इस वीडियो को जितना मतलब देखिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम।